भारत में कई फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिन्हें देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के 10 सबसे प्रचलित ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया। सो मेरा नाम है स्वराज सहाय, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है ग्वालियर फोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य ग्वालियर में स्थित ग्वालियर का किला बहुत ही प्रचलित पर्यटक स्थल है। ग्वालियर का किला ग्वालियर में पहाड़ी के ऊपर स्थित है और यहाँ से पूरा ग्वालियर शहर का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। कहा जाता है ये किला 6वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और ये किला भारत के सबसे खूबसूरत किलों में से एक है। ग्वालियर का किला देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो आप कभी ग्वालियर जाए तो ग्वालियर का किला देखना ना भूले। नंबर 9, एलिफेंटा केव्स, मुंबई। मुंबई शहर से करीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर ये घरापुरी द्वीप पे स्थित है। एलिफेंटा केव्स नाम इसे यहाँ बने हाथियों के मूर्तियों के वजह से रखा गया है। और यहाँ पे कुल 7 गुफाएं हैं जिन्हें 2 समूह में बांटा गया है, 5 हिंदू धर्म और 2 बौद्ध धर्म संबंधित हैं। और यहाँ पर आपको भगवान शिव की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां देखने को मिलेंगी। एलिफेंटा केव्स को सन 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। यहाँ से मुंबई शहर का स्काईलाइन का भी बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। यहाँ आने के लिए आपको बोट से आना होगा और यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है नवंबर से फरवरी। और ये फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है। नंबर 8, रेड फोर्ट, न्यू दिल्ली। इसे लाल किला भी कहते हैं। राजधानी दिल्ली में स्थित भारतीय और मुगल वास्तुकला से निर्मित इस किले का निर्माण 5वीं मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। किले को लाल किला इसके लाल रंग के दीवारों के कारण कहा जाता है। पहले लाल किले को किले ए मुबारक के नाम से जाना जाता था और लाल किले को बनने में 10 साल का समय लगा था। लाल किले को 2007 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। इस किले के 2 द्वार हैं जिनमें लाहौर गेट और दिल्ली गेट शामिल है। और आप कभी दिल्ली जाएं तो लाल किला देखना ना भूलें। नंबर 7, सन टेंपल, कोणार्क। उड़ीसा राज्य में कोणार्क में स्थित ये भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राज्य राजा वंश के राजा नरसिम्हा देव द्वारा किया गया था और 13वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर है। इस मंदिर का आकार एक विशाल रथ की तरह है और कोणार्क के सन टेंपल में रथ के चक्र की तरह काफी सारी आकृतियां और मूर्तियां बनी हुई हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है और इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। ये भारत के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है और कोणार्क के सन टेंपल को देखने के लिए पर्यटक बहुत आते हैं। नंबर 6 पर है जलियांवाला बाग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। भारतीय स्वतंत्र संग्राम के दौरान जलियांवाला बाग महान ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। जलियांवाला बाग ऐतिहासिक उद्यान और राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है जो अमृतसर पंजाब में गोल्डन टेंपल से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। ये बहुत ही प्रचलित ऐतिहासिक स्थल है। आप अमृतसर जाएं तो जलियांवाला बाग देखने जरूर जाएं। नंबर 5, इंडिया गेट। इंडिया गेट न्यू दिल्ली में स्थित है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में भारतीय सोल्जर शहीद हुए थे उसके सम्मान में इसे बनाया गया है और इसे ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी कहते हैं। इंडिया गेट सन 1921 में बनना शुरू हुआ और 12 फरवरी सन 1931 में बनकर तैयार हुआ। और क्या आपको पता है कि इंडिया गेट में 13,000 सैनिकों के नाम लिखे गए हैं और इंडिया गेट 42 मीटर ऊंचा है। ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसे देखने के लिए पर्यटक देश और दुनिया भर से आते हैं और ये भारत का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल है। नंबर 4, विक्टोरिया मेमोरियल। ये पश्चिम बंगाल राज्य कोलकाता में स्थित है। इसे सन 1906 से सन 1921 के बीच में बनाया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल को रानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया है और अभी के समय में ये एक म्यूजियम और पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। विक्टोरिया मेमोरियल को व्हाइट मार्बल के द्वारा बनाया गया है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये भारत के सबसे फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस में नंबर 4 पे आता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक है जो कि रॉयल को समर्पित है और ये घूमने जाने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। नंबर 3, हवा महल। हवा महल राजस्थान में जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में किए थे और इसे लाल और गुलाबी कलर के पत्थरों के द्वारा बनाया गया है जिसके लिए देखने में रेड एंड पिंक कलर में लगता है। ये करीबन 5 मंजिला ऊंची इमारत है। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं और हवा महल बहुत ही प्रचलित पर्यटक स्थल है। नंबर 2 पर है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मीनार है और ये 73 मीटर ऊंचा है। कुतुब मीनार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। कुतुब मीनार को सन 1193 में कुतुब उद्दीन इकबाक ने बनवाए थे और कुतुब मीनार के परिसर में एक 2000 साल पुराना लोहे का स्तंभ लगा हुआ है और इसमें आज तक जरा सा भी जंग नहीं लगा है।
कुतुब मीनार कुल 5 मंजिलाएं ऊंचा है और उसमें 379 सीढ़ियां हैं। कुतुब मीनार भारत के सबसे खूबसूरत मीनारों में से एक है और देश भर से इसे देखने आते हैं। और नंबर 1 पर है ताजमहल। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए इसे 1632 से लेकर 1643 के बीच में बनवाया था। और ताजमहल सफेद संगमरमर से बना बहुत ही खूबसूरत महल है और ताजमहल को 7 अजूबों में से एक कहा जाता है। ताजमहल की खूबसूरती देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं। इसे मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल भारत की सबसे प्रचलित ऐतिहासिक स्थल है और आप भारत में रहते हैं ताजमहल नहीं देखें तो एक बार ताजमहल देखने आगरा जरूर जाएं। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।